सहयोगी आशीष कुमार सिन्हा इस वक्त जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से सीधे। आशीष, हम लगातार अपने दर्शकों को वो पांच पन्नों का एक्सक्लूसिव जजमेंट भी दिखा रहे हैं जो आपने हमें भेजा है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, एक बहुत पेचीदा सवाल यहां पर खड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि ये बागी 15 विधायक हिस्सा ले विधानसभा की कार्रवाई में या ना ले, कोई इनको बाध्य नहीं करेगा, इनको कंपेल नहीं किया जा सकता, ये ऑप्ट आउट चाहे तो कर सकते हैं। क्या इसका मतलब ये माना जाए कि ये ऑर्डर कांग्रेस के खिलाफ ऑपरेटिव है, वो विप नहीं जारी कर सकती, क्योंकि इस तरह की बात तो कही नहीं गई है, और दूसरा स्पीकर अपने मन के हिसाब से अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से फैसला ले सकते हैं, इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है क्या कि डिस्क्वालीफाई या रेजिग्नेशन, क्योंकि कोर्ट ने स्पेसिफाई नहीं किया है, वो चाहे तो अगले आधे एक घंटे में कर सकते हैं इन 15 विधायकों को? देखिए आचल, पहला सवाल जो आपने पूछा कि क्या विप जारी होगा या नहीं होगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कहता है कि 15 जो बागी विधायक हैं उन पर दबाव नहीं बनाया जा सकता किसी भी तरह का, इसका मतलब यह है कि अगर विप जारी करती है पार्टी अपने विधायकों को तो वहां पर बाध्यकारी होगा सदन में पेश होना, क्योंकि अगर नहीं होते तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मुझे लगता है बाध्यता की जो कैटेगरी है उसको ये एक बड़ा व्यापक है और उसमें ये चीज कवर हो जाएगी। दूसरा सवाल रहा कि क्या स्पीकर अगर चाहे तो आज ही निर्णय ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के ऊपर छोड़ा है, वो आज ही इस्तीफे पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट को शाम को अपना एक एफिडेविट फाइल कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हमने विधायकों के इस्तीफे पर यह विचार किया है। लेकिन उसमें भी एक कैच है आंचल, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यह साफ कहता है कि जब तक असेंबली सेशन चलेगी तब तक इन विधायकों के ऊपर है कि वो स्वेच्छा से असेंबली सेशन में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, इन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। और अंटिल द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, इसका मतलब यह है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश, यानी इसमें जब तक सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाई नहीं करता, यानी अपने आदेश में संशोधन नहीं करता या फिर आदेश को वापस नहीं लेता, तब तक सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश लागू रहेगा। यानी ना सिर्फ कल बल्कि अगर आगे भी असेंबली सेशन होगी तो भी सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश लागू होगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश को वापस नहीं लेता या फिर उसमें संशोधन नहीं करता। हालांकि अभी बहुत सिंपल तरीके से आपसे ये जानना चाहूंगी, अब कल ट्रस्ट वोट है, ऐसे में ये आफत किसके लिए, राहत किसके लिए? स्पीकर कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि मेरी पावर्स को कटेल नहीं किया है, वहीं बागी विधायकों की प्रतिक्रिया आनी बाकी है, लेकिन येदुरप्पा कह रहे हैं कि जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। कुल मिला के जीत किसकी हुई? येदुरप्पा इज द ओनली पर्सन स्माइलिंग? देखिए जाहिर तौर पर जीत येदुरप्पा की होगी, क्योंकि चाहे विधायक अयोग्य करार दिए जाए या उनके इस्तीफे वापस लिए जाएं, नंबर के हिसाब से देखिएगा तो येदुरप्पा को फायदा होगा, क्योंकि तब अगर ये विधायक अयोग्य करार दिए दिए जाते हैं या फिर सदन में ये मौजूद नहीं रहते हैं तब कांग्रेस और जेडीएस गवर्नमेंट को मेजोरिटी साबित करने के लिए 104 अंकों की जरूरत होगी, यानी 104 विधायकों के समर्थन हासिल करना होगा, लेकिन उनके पास ये आंकड़ा 100 का होगा। वहीं बीजेपी को देखें तो 105+2 यानी जो दो निर्दलीय थे उन्होंने भी बीजेपी को सपोर्ट करने का यहां पर घोषणा की है, यानी बीजेपी के पास आंकड़े ज्यादा हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए विधायकों की इस जीत में, विधायकों के इस खेल में जीत केवल बीजेपी की हुई है। 15 विधायकों का जो भविष्य है वो भी अभी भी अधर में है कि अगर आगे चलकर स्पीकर उनको अयोग्य घोषित कर देता है या फिर सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में बदलाव करता है तो इसका सीधा असर 15 विधायकों पर जाएगा। लेकिन अगर कल ट्रस्ट मोशन होता है तो इतना तय मान के चलिए आंचल, आंकड़ों के हिसाब से कि बीजेपी की जीत पक्की है। बिल्कुल, यानी कि राजनीति के इस कीचड़ में और कुछ होना हो लेकिन कमल खिलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।